हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रिंकेश कुमार गुप्ता। तो आज अपन डिस्कस करते हैं मिड सेशन टेस्ट 3 जेई एडवांस में पेपर नंबर 7। ठीक है, एडवांस का पेपर अपन पेपर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें टोटल 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में 2 पैसेज हैं 2x2 के, सेक्शन बी में 6 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हैं, और सेक्शन डी में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन है इंटीजर टाइप के, और रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें आपको डेसिमल की फॉर्मेट में भी आंसर फिल करना होगा। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब पैसेज नंबर फर्स्ट। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो देखो, पैसेज फर्स्ट क्या है, बहुत अच्छा पैसेज है। आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 से एन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कोस स्क्वायर 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप इस टिक्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करोगे। तो देखो क्या थीम है, ये अपन को पता है कि जब भी टिक्नोमेट्रिक समेशन को सॉल्व करना हो, ये टिक्नोमेट्रिक का समेशन है, मतलब समेशन ऑफ टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब भी अपन टिक्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करते हैं, समेशन, तो अपनी एक ही थीम होगी कि जो उसका अंदर वाला पार्ट है उसको 2 पार्टों में स्प्लिट करने की ट्राई करोगे, जिससे अंदर वाले पार्ट को 2 पार्टों में स्प्लिट करना, वो भी सबट्रैक्शन की फॉर्मेट में। इसको बोलते हैं टेलीस्कोप सीरीज। इसका यूज क्या होगा, जैसे आप एन की वैल्यूज को पुट करोगे तो जनरली सेकंड टर्म थर्ड से कैंसिल, फोर्थ फिफ्थ से अप टू सो ऑन, तो जनरली फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड या सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, रिमेनिंग शेष रहती है आपकी। ठीक है, तो चलो क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इस डिनोमिनेटर को देखो। आप ये फॉर्मूला आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो बेटर ऑप्शन क्या है, आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या जाएगा, देखो एफ ओ एन एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 से एन दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं अपन 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। तो 2x करोगे तो एक्स बाई 2 की जगह क्या जाएगा x, ऐसे ही कॉस स्क्वायर 2n प्लस 1 बाई 2 को 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2n प्लस 1 एक्स बाई 2, तो जाएगा माइनस 1 प्लस कॉस, एक बार को इधर लिखते हैं, एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 से एन, न्यूमेटर में क्या था साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को रिटर्न एज 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और ये जाएगा माइनस 1 प्लस कॉस, वो क्या था 2n प्लस 1 एक्स बाई 2, तो बाई 2 हटेगी और क्या है? अब केयरफुली देखो, ये 2 तो न्यूमेटर में चला गया जैसे, तो क्या गया एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 से एन, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या गया कॉस एक्स माइनस कॉस 2n प्लस 1 इंटू एक्स। तो इसमें यूज करो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो क्या जाएगा इक्वल टू सिग्मा ऑफ दिस पार्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या जाएगा 2n x प्लस 2x बाई 2, तो क्या गया साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी, तो d माइनस सी करने पे क्या जाएगा 2n बाई 2 इज साइन एन एक्स, ये आ गया इसका सिग्मा। अब थोड़ा केयरफुली देखो, ये अपन को पता होना चाहिए ये साइन n प्लस 1 एक्स है साइन n एक्स, तो क्या करो ये 2 तो कैंसिल कर दो उसमें से, इसमें जो साइन स्क्वायर एक्स है इसमें से एक साइन को तो करो सेपरेट, आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू सिग्मा ऑफ दिस पार्ट 1 साइन एक्स को तो रखो सेपरेट, और जो सेकेंड साइन एक्स है उसको लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का मीनिंग क्या होगा एन प्लस 1 माइनस एक्स, तो क्या आ गया साइन एक्स आ गया अगेन, तो इसको लिख सकते हैं अपन साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस साइन, ये लो ये लिख दिया अपन। ठीक है, और थोड़ा केयरफुली कर देते हैं दोबारा समझाने के लिए, तो अल्टीमेटली आ गया ना, अब इससे इन दो पार्टों को डाल दो।
तो ये आ गया एफ ऑफ एन कोमा एक्स इक्वल टू सिग्मा साइन एक्स, और नेक्स्ट साइन एक्स को क्या लिखा, आप एक्स को ले सकते हो एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस के एन ऑफ एक्स। ठीक है, सॉल्व करो उसको, तो ओनली क्या गया साइन एक्स, और अपॉन में क्या होगा बोलो, साइन एन एक्स डॉट साइन एन प्लस वन, बस यही मैंने फंक्शन को सॉल्व करना, उसके बाद तो वो सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको हटा देते हैं, तो देखो साइन ए ऐसे समझ सकते हो आप, इसको आप ए लेट करो, इसको बी लेट करो, तो दिस इज ए और दिस इज बी, तो किसका फॉर्मूला बन गया, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और दोनों को क्या कर दो साइन ए साइन बी से सेपरेट डिवाइड, तो देखो देन वी विल गेट एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू वन से एन, ये साइन एक्स एज इट इज क्या जाएगा ब्रैकेट में, देखो साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, तो क्या होगा साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो क्या आ गया कॉस बी अपॉन साइन बी, तो कॉट एन एक्स क्या जाएगा बोलो, कॉट ऑफ एन एक्स माइनस कॉट ऑफ ए, ए का मतलब एन प्लस वन इंटू एक्स, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो ये याद रखे आप कॉट ए माइनस कॉट बी को सोल्व करना है, तो क्या करोगे साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो क्या जाएगा कॉट एन एक्स अपॉन साइन एन एक्स माइनस कॉट एन प्लस वन को लिखोगे आप कॉस एन प्लस वन अपॉन साइन एन प्लस वन, और या फिर रिमेंबर दिस, ये पता होना चाहिए या कैलकुलेट करो आप अलग से देख सकते हो, अपन को चाहिए कॉट ए माइनस कॉट बी, तो कॉट ए माइनस कॉट बी को सोल्व करने पर आता है बेटा साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन बी सीधा, तो इससे क्वेश्चन कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू वन से एन, क्या लिखना है इसको साइन बी दिस इज ए, तो साइन बी माइनस ए क्या रह गया साइन बी माइनस ए करने पे क्या जाएगा बोलो साइन एक्स अपॉन साइन दिस लिख देते हैं इसको, ये तो आ गया साइन एक्स, एक सेकंड सॉरी, या फिर एक काम करो पहले इसमें कॉट ए माइनस कॉट बी की वैल्यू पुट करने से बेटर ऑप्शन क्या है, पहले सिग्मा ओपन करो ना, ताकि अपन टर्म्स को क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट, तो चलो पहले सिग्मा ओपन कर देते हैं, सॉरी, तो देखो सिग्मा ओपन करने पे क्या जाएगा एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू वन से एन, अब आप देखो डायरेक्ट देखो एन को वन लेने पे क्या आएगा कॉट एक्स माइनस कॉट टू एक्स प्लस टू लेने पे कॉट टू एक्स माइनस कॉट थ्री एक्स प्लस कॉट थ्री एक्स माइनस कॉट फोर एक्स, मतलब सेकेंड टर्म थर्ड से कैंसिल अप टू सोन, तो क्या बचेगी एन को वन लेने पे सबसे पहले तो बचेगा कॉट एक्स माइनस कॉट ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स, पहले सिग्मा ओपन करो आप, ठीक है, तो इस सिग्मा को हटा देते हैं, हट गया ना, अब कॉट ए माइनस कॉट बी को कॉट ए माइनस कॉट बी को साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए साइन बी, तो देन इससे आ गया एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू ये साइन एक्स एज इट इज, तो क्या लिखोगे साइन ऑफ दिस माइनस दिस, तो ये तो आ गया साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स साइन एन प्लस वन इंटू एक्स, साइन एक्स साइन एक्स कैंसिल, तो एफ ऑफ एन एक्स आ गया साइन एन एक्स अपॉन साइन एन प्लस वन इंटू एक्स, बस अल्टीमेटली ये फंक्शन अपन को क्या करना है कैलकुलेट, तो स्कोर लिखते हैं बाकी को हटा देते हैं, फंक्शन क्या आ गया इसको अब लिख देते हैं इधर एफ ऑफ एन एक्स इक्वल टू साइन एन एक्स अपॉन साइन एन प्लस वन इंटू एक्स, एफ ऑफ एन के बाद जी ऑफ एन एक्स क्या है पाई का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एन एक्स, तो देखो लिख सकते हैं अपन जी ऑफ एन एक्स इक्वल टू पाई ऑफ एन इक्वल टू वन से एन एफ ऑफ एन एक्स, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो कितना आएगा देखो एन को वन लेने पे क्या होगा एफ ऑफ वन एक्स अगला एफ ऑफ टू एक्स और डॉट डॉट एफ ऑफ एन एक्स,
तो देखो केयरफुली सुनो, एफ ऑफ वन, तो एन को वन लेने पे क्या जाएगा, साइन एक्स अपॉन साइन टू एक्स, ये क्या होगा बोलो, साइन एक्स अपॉन साइन टू एक्स डॉट, एन को टू लेने पे बोलो साइन टू एक्स अपॉन साइन थ्री एक्स, और डॉट 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 लास्ट क्या जाएगा बोलो, साइन एन एक्स अपॉन साइन एन प्लस वन इन टू एक्स। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ऐसे इससे, तो न्यूमरेटर में तो बच गया साइन एक्स और अपॉन में बच गया साइन एन प्लस वन इन टू एक्स। तो दोनों फंक्शन ये रिमेंबर दिस, इधर लिख देते हैं, एफ ऑफ एन एक्स तो आ गया साइन एन एक्स अपॉन साइन एन प्लस वन इन टू एक्स, एंड जी ऑफ एन एक्स इज साइन एक्स अपॉन अगेन साइन ऑफ एन प्लस वन इन टू। बस इन दो फंक्शंस को अपन को इस पैसेज में यूज करना है। तो देखो अब पढ़ते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन, आई एन का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ एन एक्स अपॉन जी ऑफ एन एक्स जीरो से पाई। तो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एन एक्स जी ऑफ एन एक्स, देखो जब आप दिस को दिस से डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो, तो क्या आ गया साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब ये आ गया आई एन इक्वल टू जीरो से पाई एफ एन एक्स अपॉन जी एन एक्स, दिस इज साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। तो लिख सकते हैं साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखो अपन से फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये तो आ गया अपने पास आई एन, आई एन आने के बाद सिग्मा के इक्वल टू वन से हंड्रेड आई एन इक्वल टू के पाई की वैल्यू बतानी है आपको। इसका मीनिंग आपको इसको एन लिखना चाहिए, इसको बेसिकली एन इक्वल टू वन से, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई हंड्रेड, आई वन से लेके आई हंड्रेड की वैल्यू को आपको क्या करना है बोलो कैलकुलेट। तो आई वन से लेके आई हंड्रेड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या करना चाहिए अपन को, पहले आई एन की वैल्यू चाहिए, तो देखो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री चाहिए ना, तो इसके लिए क्या किया, इसमें अपन को रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या करना है बोलो रिडक्शन फॉर्मूला। तो देखो रिडक्शन फॉर्मूले के लिए इसको लिख सकते हैं अपन, आप आई एन को लिख सकते हो आई, इसकी टेक्निक है वो ध्यान रखें, इसको क्या किया मैंने आई एन प्लस वन माइनस आई एन को सेपरेट करो आप, तो आई एन लिमिट तो सेम है, तो क्या जाएगा आई एन प्लस वन एक्स माइनस एन एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू को क्या करते हैं कैलकुलेट। तो आई एन प्लस वन माइनस एन एक्स का फॉर्मूला, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन सॉरी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। तो फिर इसमें अपन को इस तरीके से करना है कि साइन एक्स को क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट, तो आई एन प्लस वन में से अगर आप आई एन माइनस वन को क्या करोगे माइनस, तो कोई प्रॉपर बेनिफिट नहीं होगा, तो इसका बेटर ऑप्शन ये है कि आप आई एन प्लस टू में से आई एन को माइनस कर दो, आई एन प्लस टू में से आई एन को माइनस, तो इसको एक काम करो आई एन प्लस टू कर देते, तो ये कितना आ गया टू, क्योंकि कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले से आपको बेनिफिट हो जाएगा, तो क्या जाएगा आई एन प्लस टू माइनस आई एन इक्वल टू जीरो से पाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो क्या जाएगा एन प्लस वन इन टू एक्स, और ये जाएगा कॉस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, तो क्या आ गया टू कॉस एन प्लस वन इन टू एक्स। और अब आप समझ सकते हो कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, साइन एन प्लस वन इन टू एक्स, और साइन की वैल्यू जीरो पे भी जीरो पाई पे भी जीरो, क्योंकि एन आपका कोई भी एक इंटीजर नंबर है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया आई एन प्लस टू माइनस आई एन इक्वल टू जीरो आ गया, तो इससे आ गया आई एन प्लस टू इक्वल टू आई एन, मतलब एन को जब आप वन लोगे तो आई वन इक्वल टू आई थ्री इक्वल टू आई फाइव, मतलब और एन को जब वन टू थ्री पुट करोगे आई वन इक्वल टू आई थ्री इक्वल टू आई फाइव, मतलब और की वैल्यू तो सेम होगी, और एन को टू लोगे तो आई टू आई फोर आई सिक्स की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। तो अपन काम करते हैं, जब आपको पता है आई वन आई थ्री आई फाइव आई सेवन की वैल्यू इक्वल है, तो अपन आई वन की वैल्यू चेक करते हैं, और आई टू आई फोर आई सिक्स की वैल्यू सेम है, तो अपन आई टू की वैल्यू, तो देखो आई वन की वैल्यू में तो क्या होगा, जब एन को वन लोगे तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स वन आ गया, तो आई वन तो कितना आ गया बोलो पाई, इससे आई वन की वैल्यू तो क्या होगी बोलो पाई,
और जब आप आई टू की बात करोगे तो क्या जाएगा, जीरो से पाई साइन टू एक्स का मीनिंग टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या बच गया टू कॉस एक्स, और अगेन कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, और जीरो से पाई तो साइन पाई जीरो और साइन जीरो जीरो, तो आई टू कितना आ गया बोलो जीरो, मतलब आई वन आई थ्री आई फाइव आई सेवन इन सबकी वैल्यू तो पाई होगी, और आई टू आई फोर आई सिक्स इन सबकी वैल्यू क्या होगी जीरो। तो अपन को देखो समेशन किसका बताना है, सिग्मा आई इक्वल टू वन से हंड्रेड के पाई, तो इसका मीनिंग क्या होगा आई वन से लेकर आई हंड्रेड में क्या होगा आई टू आई फोर आई सिक्स ही तो जीरो होंगे, और आई वन आई थ्री आई फाइव इन सबकी वैल्यू क्या होगी पाई, तो कितना जाएगा बोलो फिफ्टी पाई, तो के आपको फिल करना बेटा फिफ्टी, तो इसके अकॉर्डिंग इसका देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, गो, इसमें आपको इस लिमिट की वैल्यू को सॉल्व करना है, मतलब इसमें एफ ऑफ 90 और जी ऑफ 90 की वैल्यू को पुट करोगे। तो देखो क्या था अपना, इसमें जो एफ ऑफ एन एक्स था वो तो क्या था साइन एन एक्स अपॉन साइन एन प्लस वन इंटू एक्स, एंड जी ऑफ एन एक्स था आपका बेटा साइन एक्स अपॉन साइन एन प्लस वन इन टू एक्स। तो देखो कैसे करना है, इस लिमिट को थोड़ा केयरफुली देखो, ये डी टी की लिमिट है, तो एक्स तो इस इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं ना, इसको अपन लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, समझो आप जीरो से एक्स नाइन डी टी अपॉन एफ ऑफ 90 जी ऑफ 90 और अपॉन में एक्स, ऐसे लिख दो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो x को जीरो लेने पे जीरो से जीरो जीरो और ये भी जीरो, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो आप क्या लिख सकते हो डीएल, एल लोपिटल रूल, तो न्यूमेटर का न्यूमेटर में डिफरेंशिएशन, डिनोमेटर का डिनोमेटर में, तो x का तो वन हो गया, और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या करोगे x को पुट कर दो बस, तो क्या जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, ध्यान दो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो नाइन अपॉन f ऑफ 9x इंटू जी ऑफ 9x, सिर्फ बस। अब आप f ऑफ 9x और g ऑफ 9x की वैल्यू को पुट कर दो लिमिट लगा के, तो देखो क्वेश्चन आ गया लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो नाइन अपॉन f ऑफ 9x क्या आ गया साइन 9x अपॉन 10x, तो आ गया साइन 9x अपॉन 10x, तो साइन 10x न्यूमेटर में चला गया। सिमिलरली f ऑफ 9x क्या होगा साइन x अपॉन साइन 10x, तो क्या आ गया बोलो साइन x अपॉन साइन 10x, तो 10x ऊपर जाके क्या आ गया साइन स्क्वायर x। अब आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे साइन x अपॉन x की डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी 1 होती है, तो देखो साइन 9x है तो इसको क्या करो 9x से डिवाइड कर दो, 9x से मल्टीप्लाई, इधर साइन x से मल्टीप्लाई तो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, सिमिलरली ये साइन स्क्वायर 10x तो क्या करोगे बोलो 10x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई इनटू डिवाइड, ये लो। तो देखो केयरफुली सुनो आप क्या हुआ, ये वैल्यू आपकी 1 होगी, उसके बाद दिस इज ऑल्सो 1 और दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड लिमिट से x और x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट और 9 से 9 कैंसिल आउट, तो क्या रह गया 10 का स्क्वायर, इसका 100 आंसर आपको फिल करना है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा। उसके बाद देखो पैसेज नंबर सेकंड, पैसेज सेकंड क्या है कि लेट एफ आर प्लस से आर वी ए डिफरेंशियबल फंक्शन सेटिस्फाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई, दिस पार्ट एक फंक्शन आपको गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो बोला गया है कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल ड्रॉन टू दी कर वाई इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट पी वेयर वाई इक्वल टू एफ एक्स क्रॉस दी लाइन एक्स इक्वल टू वन, मतलब किस पॉइंट पे जहां पे कर्व x इक्वल टू वन को क्या करता है क्रॉस करता है, तो उस पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो उस नॉर्मल का x क्या बताना है इंटरसेप्ट। तो जो आपको एक कंडीशन गिवन है इसको सोल्व करके पहले आप फंक्शन करोगे फाइंड आउट, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, जब भी इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी वेरिएबल हो तो आप क्या करो उसको न्यूटन्स लेबनिज़ फॉर्मूले की फॉर्म से डिफरेंशिएशन करोगे आप। तो देखो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, एक काम करते हैं इसको लिख ही लेते हैं साइड में, ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू ई प्लस वन माइनस एक्स एल एन ऑफ एक्स अपोनी
प्लस 1 से एक्स एफ टी ऑफ डी टी। तो देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डेस एक्स, ई का तो जीरो हो गया, हटा दो, इसमें लगाओगे फर्स्ट इनटू सेकंड, तो 1 माइनस एक्स एज इट इज, एक्स अपॉन ई का लॉग का एक्स अपॉन ई, और बेटा एक्स अपॉन ई का 1 अपॉन ई, प्लस लॉग एक्स अपॉन ई एज इट इज और 1 माइनस एक्स का माइनस, तो क्या जाएगा बोलो, माइनस लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई प्लस, इसमें क्या करोगे न्यूटन से लेवनीज, तो क्या जाएगा एफ ऑफ एक्स, ई से ई कैंसिल आउट, तो देन एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो क्या गया, 1 y x इज 1 y x माइनस एक्स अपॉन एक्स इज 1 माइनस, इसमें लगा दो लॉग ए अपॉन बी, तो ये जाएगा माइनस एल एन एक्स प्लस लॉग ई का मतलब 1, 1 से 1 कैंसिल, और प्लस लिखना है एफ एक्स, एफ एक्स को लेफ्ट में ले आओ आप, तो क्या गया एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1 y x माइनस लॉग ऑफ। अब इसको अपन क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्या बन गया dy dx माइनस y इक्वल टू दिस पार्ट, ये dy dx है, ये y है, इसका कोफिशिएंट कितना माइनस 1, और ये x का फंक्शन है, तो क्या करोगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, if इक्वल टू e की पावर माइनस 1 dx, तो e की पावर माइनस x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्यूशन क्या गया बोलो, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई का मीनिंग एफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स इंटू फंक्शन इज 1 y x माइनस एल एन ऑफ, बस अब इसको कर करना इंटीग्रेट, तो एक काम करो पहले ई की पावर माइनस एक्स से सेपरेट मल्टीप्लाई करके आई लेट लगा देते, तो यह आ गया एफ एक्स डॉट e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू 1 y x माइनस इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स, देखो एक में लगाओगे तो अगला ऑटोमेटिक कैंसिल आउट फर्स्ट इंटू सेकंड मान के, तो क्या आएगा इसका, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स ऑफ माइनस माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है 1 अपॉन एक्स का, हाँ इसको उल्टा करो क्योंकि अपन को वो लाना है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो एक काम करो इसको उल्टा मानो, इसको सेकंड मानते हैं इसको फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि अपन को सेकंड इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करना, तो क्या जाएगा देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या किया अपन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, अब क्या करोगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो प्लस e की पावर माइनस एक्स, और ये आ गया लॉग ऑफ एक्स, और ये वाला पार्ट से कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली आ गया एफ एक्स e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स एल एन एक्स प्लस सी, ठीक है चलो। अब आपको क्या करना है ln c की वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखो इस पे लिमिट है 1 से 1, तो एक काम करो x को 1 पुट कर दो, तो इससे क्या जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 से 1 में 0 ln 1 अपॉन e, ये 1 माइनस 1 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ गया बोलो e, तो अब इसमें देखो जब आप x को 1 लोगे तो f ऑफ 1 इज e, e की पावर माइनस 1 ln 1 इज 0 प्लस c, तो ये 1, तो c इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1 आ गया, तो c को 1 लोगे तो फंक्शन क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x को डिवाइड में जाओ माइनस को, तो क्या जाएगा 1 सॉरी ln x प्लस e की पावर x, ये आपका फंक्शन आ गया एफ एक्स। अब अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला गया है, the x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन टू दी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट p वेयर y इक्वल टू एफ एक्स क्रॉस दी लाइन x इक्वल टू e, जिस पॉइंट पे मतलब लाइन x इक्वल टू e, लाइन x इक्वल टू 1 पे
जो कर्व है जिस पॉइंट पे क्या करता है कट, उस पॉइंट को नेम दिया गया पी, उस पॉइंट पी पे जो नॉर्मल है उसके एक्स इंटरसेप्ट की क्या पूछी वैल्यू। तो देखो एक्स को वन, सीधा रफली डायग्राम हो गया अब तो, ये एक्स इक्वल टू वन है तो एक्स इक्वल टू वन पे जो पॉइंट है वो क्या होगा वन कोमा ई, क्योंकि एक्स को वन लेने पे भाई ई आया था, तो वन कोमा ई पे जो टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल का एक्स क्या बताना इंटरसेप्ट। तो क्या करते हैं, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या गया देखो एफ डेस एक्स वन वाई एक्स प्लस ई की पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इस फंक्शन का जो एफ डेस एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, तो एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको भी समझ लो साथ के साथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। तो जब फंक्शन आपका कंप्लीटली इंक्रीजिंग है तो नो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर ये लिखना है, एफ इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, एफ एक्स का मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसका यूज फोर्थ क्वेश्चन में था क्योंकि एफ डेस एक्स। अब अपन लिखते हैं एफ डेस ई, एक्स इक्वल टू वन को मई पे, सॉरी एक्स को वन लोगे, एक्स को वन लेने पे स्लोप आ गया वन प्लस ये लो, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, और नॉर्मल का स्लोप आ गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज वाई माइनस वाई वन, तो वाई अपॉन ई, टेंजेंट के स्लोप का उल्टा और नेगेटिव क्या होगा नॉर्मल का स्लोप, तो वन प्लस ई इंटू एक्स माइनस वन। अब आपसे पूछा इंटरसेप्ट ऑन दी एक्स एक्सिस, तो क्या करते हैं वाई को जीरो पुट कर दो, वाई को जीरो लेने पे क्या गया माइनस ई को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या गया माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स को लेफ्ट में ले आओ और इन दोनों को राइट में, तो क्या जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई प्लस, ये आ गया उसका एक्स इंटरसेप्ट। तो इसके अकॉर्डिंग, हाँ इसके अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है अपन को। उसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। तो देखो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। तो देखो इसको कैसे करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा केयरफुली देखो। इस न्यूमेरेटर को आप इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में क्या कर सकते हो रिप्रेजेंट। तो इसको अपन देखो क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इसमें आ रहा है टू दिस पार्ट, इसमें तो ओनली, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करने पर दिस कैन नॉट बी रिटर्न। तो क्या किया इसमें, आप एक वाले को ट्वाइस ऑफ दिस पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, और देखो ये कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, बट लाना कितना है दिस पार्ट। तो देखो इसमें से जब x प्लस वन को माइनस करोगे तो क्या आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो उसको लिख देते हैं माइनस ऑफ x प्लस वन, क्योंकि आप डायरेक्ट लिखोगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री माइनस, सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में लाओ आप, प्लस की बात नहीं बन सकती क्योंकि प्लस करने पे क्या जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर, वट चाहिए कितना थ्री। तो ये लिखने से क्या करना, देखो ये सॉरी टू था, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, बट क्या चाहिए टू एक्स स्क्वायर। तो क्या किया उन्होंने, जैसे ही आप इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, फोर एक्स माइनस एक्स इज थ्री एक्स, और फोर माइनस वन इज प्लस थ्री, और अपॉन में क्या आ गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस, बस इतना करना है। इसको क्या करो सेपरेट डिवाइड, तो क्या जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से वन दिस अपॉन दिस, तो आ गया टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस दिस अपॉन दिस आ जाएगा वन अपॉन, इसको आप लिख सकते हो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। तो क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन टू कॉन्स्टेंट, वन अपॉन वन प्लस एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, और ये फॉर्मेट बन गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये तो वन है इसका, तो क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वन, और लिमिट लगा दो जीरो से लेके वन तक। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे बेटा, तो ये आ गया आई इक्वल टू वन पुट करने पे टू एल एन टू, वन लेने पे माइनस के टेन वर्स टू, और माइनस जीरो पे जीरो एल एन वन जीरो, और वट माइनस माइनस प्लस टेन वर्स वन, और टेन वर्स वन की वैल्यू क्या होगी बोलो पाई फोर। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, टू एल एन टू प्लस पाई फोर माइनस टेन वर्स टू, एक तो इसका ऑप्शन आ गया बोलो फर्स्ट। अब आपको रिमेनिंग ऑप्शन को क्या करना है बोलो वेरीफाई। तो देखो क्या कर सकते हैं समझो, एक बार
एक ऑप्शन तो आ गया फर्स्ट। तो देखो एक आंसर आपको कॉट इनवर्स की फॉर्मेट में गिवन है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इसको आप लिख सकते हो 2ln2 को एज इट इज, आप टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हो, सॉरी पाई 4 को लिख सकते हो, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 2। तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 2 का फॉर्मूला, बट इसको एक काम करो माइनस कॉमन लो, तो टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1, तो एक्स वाई का मल्टीप्लाई है अगर 1 से बड़ा है तो सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं इसको, टेन इनवर्स, हाँ ये पता होना चाहिए, अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा है, क्योंकि पहली बात तो अपने में तो प्लस आ रहा है, क्या रहा बोलो प्लस, तो फिर एक काम करते हैं इसका वेट ऑप्शन क्या है, या तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला रिमेंबर दिस, या तो इसका फॉर्मूला क्या रखो आप याद रखो, जैसे ही आप टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले को यूज करोगे तो इसका एक ऑप्शन मैच और कर जाएगा। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, 2ln2 माइनस क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1/3, और टेन इनवर्स 1/3 को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 3। तो एक इसका हो गया थर्ड ऑप्शन। उसके बाद देखो इन ऑप्शंस में क्या किया गया, तो ये तो गलत है, 1/3 तो आएगा नहीं इसमें, जो फर्स्ट सही तो सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता। फिर देखो क्या किया, एक कॉट इनवर्स 2 में आंसर है, तो एक काम करो ना आप टेन इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 2। तो देखो क्या गया, 2ln2 माइनस माइनस प्लस, तो ln4 कॉट इनवर्स 2 सही है, क्योंकि 2ln2 को लिख सकते हैं ln4, 2 को पावर में लेके चले जाओ, और ये आ गया पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 माइनस के पाई 4, तो उसका एक फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट होगा। ठीक है चलो, उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, आपको ए एन गिवन है और बी एन, तो देन आपको ए टेन इक्वल टू ए इलेवन, बी टेन इक्वल टू बी इलेवन, दिस पार्ट को क्या करना है बोलो वेरीफाई। तो देखो उसकी थीम क्या है, इससे समझो आप, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन से दिख रहा है ए एन और ए एन प्लस वन, तो क्या किया इसमें, ये ए एन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो एन की टर्म में इंटीग्रेशन में, तो आप रिडक्शन फॉर्मूले को यूज करें, तो ये एक का डिफरेंस है, तो आप एक काम करो ए एन प्लस वन माइनस ए एन का फॉर्मूला ड्राइव करो, जीरो से पाई बाई 2 अपॉन में, तो क्या होगा ओनली साइन एक्स, और न्यूमेटर में क्या होगा, जब एन को एन प्लस वन लोगे तो क्या जाएगा 2n+1, तो ये आ गया साइन 2n+1 इंटू एक्स और माइनस साइन 2n-1 इंटू एक्स, और ये न्यूमेटर में फॉर्मूला बन गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2cos c + d/2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो बेटा अल्टीमेटली आ गया ए एन प्लस वन माइनस ए एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, क्या लिखोगे 2cos this + this/2, तो क्या जाएगा 2n+1 2n-1 4n/2, तो क्या जाएगा 2nx इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी, तो 2n से 2n कैंसिल, x और x 2x, y 2 इज x, साइन x अपॉन साइन x dx, साइन x से साइन x कैंसिल, पर आप देखो cos 2nx का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2nx, बट n कोई भी आपका इंटीजर है, तो sin 2nx में जब पाई बाई 2 पुट करोगे तो sin पाई भी 0 और sin 0 भी 0, तो अल्टीमेटली इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट क्या बन जाएगी 0, तो इससे तो आंसर आ गया an+1 = an। तो n को 10 लोगे तो a10 = क्या गया a11, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन एक तो करेक्ट होगा। ठीक है चलो ध्यान रखें, और ये लिख देते हैं इसको कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन की वैल्यू क्या हुई 0 से π/2 2cos 2nx dx। ठीक है अब अपन लेते हैं बी एन को, वही सेम प्रोसीजर, बी एन में भी 1 का डिफरेंस है, तो वही सेम मेथड अप्लाई करोगे, vn प्लस वन माइनस vn इक्वल टू अगेन 0 से π/2 अपॉन में, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और न्यूमेटर में क्या जाएगा साइन n प्लस वन इंटू एक्स का स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर n प्लस वन इंटू एक्स माइनस साइन स्क्वायर
एन एक्स और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. तो देन वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2. जब आप साइन ए प्लस बी करोगे तो कितना जाएगा 2n प्लस 1 इंटू एक्स और साइन ए माइनस बी करने पे क्या जाएगा बोलो साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. एक साइन कैंसिल आउट तो क्या आ गया बी एन प्लस वन माइनस वी एन इक्वल टू जीरो से पाई बाय टू दिस इज साइन टू एन प्लस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स. अब आप थोड़ा केयरफुली देखो ये जो है ये कौन है आपका ए एन प्लस वन. अभी लिखा था ना अपने ये जो दिस पार्ट है कौन है ए एन प्लस वन. एन को जब एन प्लस वन लोगे तो क्या जाएगा साइन टू एन प्लस वन इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स. तो क्या आ गया बी एन प्लस वन माइनस वी एन इक्वल टू ए एन प्लस वन. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बी एन प्लस वन माइनस बी एन इक्वल टू ए ऑफ एन प्लस वन. और ध्यान रखे इसमें से ए एन प्लस वन कोई भी जीरो नहीं होगा. जैसे आप देख सकते हो क्योंकि आप बोलोगे सर ए एन प्लस वन अगर जीरो आ गया तो बी एन प्लस वन को वी एन मतलब सेकेंड ऑप्शन टिक कर सकते. तो मैं समझा सकता हूं आपको. जैसे आपको एन को आपने वन लिया तो इसमें ए वन की वैल्यू क्या होगी एन को वन लेने पे साइन एक्स अपॉन एक्स तो ए वन आपका पाई बाई टू आ गया. ऐसी अगर आप ए टू की वैल्यू बात करोगे तो ए टू के लिए क्या करोगे साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स तो साइन थ्री एक्स को क्या लगोगे थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स. तो उसको भी सोल्व करने पे ए टू भी आपका क्या आने वाला बोलो पाई बाई टू. और वो वैसे ही पता चल गया ना ए एन प्लस वन इक्वल टू ए एन तो ए वन ए टू ए थ्री सब कुछ सेम है तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी. तो बेटा बी टेन इक्वल टू बी इलेवन लिख ही नहीं सकते इसमें आप. ठीक है तो क्या आ गया आंसर एक ऑप्शन तो आ गया. और उसके बाद देखो जब ये दोनों इक्वल है तो बी इलेवन जीरो आ गया बट बी इलेवन इसमें जीरो नहीं होगा. बी इलेवन भी क्या नहीं होगा बोलो जीरो क्योंकि ये वैल्यू भी हमेशा कैसी होगी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी. आप देख सकते हो अलग से ठीक है ना. तो जैसे आपने b को 1 लिया तो b1 क्या आ गया पाई बाय 2 b2 भी सॉल्व करने पे क्या आएगा sin 2x. तो sin 2x एक बार दिखा देते हैं b1 तो डायरेक्ट कितना आ गया बोलो पाई बाय 2. जब आप b2 लोगे तो b2 के लिए आ गया 0 से पाई बाय 2 sin 2x का मीनिंग 2 sin x. हां साइन टू एक्स का मीनिंग टू साइन एक्स कोस एक्स. क्या जाएगा बोलो टू साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स कैंसिल तो टू कोस एक्स आ गया मतलब फोर कोस स्क्वायर एक्स. तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू इसकी जीरो नहीं होगी. इसका मीनिंग क्या होगा ये ऑप्शन भी टिक नहीं कर सकते आप. तो इसका एक ऑप्शन ये आ गया कि जब इसमें एन को टेन लोगे तो क्या आ गया बी इलेवन माइनस बी टेन इक्वल टू ए इलेवन. तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. ठीक है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो लेट y इक्वल टू x सॉरी इफ y x सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx इक्वल टू दिस पार्ट मतलब y x इसका एक एज ए फंक्शन है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑप्लिकार करेक्ट. तो देखना है कि कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट है. तो देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके y x फंक्शन फाइंड आउट करेंगे अपन y x फंक्शन क्योंकि y का मीनिंग y x ही है इसके अंदर. तो देखो इसको अपन क्या करेंगे लीनियर डिफरेंशियल से तो इसको लिख सकते हैं अपन dy dx माइनस थ्री cot x इंटू y इक्वल टू साइन ऑफ 2x बाई पाई बाई 2 को 2 बाद में यूज करते हैं. तो क्या गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दोगे सबसे पहले e की पावर इंटीग्रेशन माइनस थ्री cot x और cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा log sin x. लॉग साइन एक्स करने पे माइनस थ्री ऊपर चला गया ई से ई कैंसिल तो क्या जाएगा वन अपॉन साइन क्यूब एक्स. एस क्यूब का मतलब वन अपॉन साइन क्यूब एक्स आ गया. तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज वाई आई एफ तो वाई अपॉन एस क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या साइन टू एक्स अपॉन एस क्यूब. साइन टू एक्स का मीनिंग टू साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स. एक साइन कैंसिल आउट
तो साइन स्क्वायर एक्स न्यूमिटर में जाके क्या चला जाएगा, या फिर एक काम करो ऐसे रखो इसको, तो ये आ गया वाई अपॉन एस क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन टू, तो वहां ले लो सी डी एक्स अपॉन एस स्क्वायर। तो देखो जब आप साइन एक्स को टी मानोगे तो कॉस एक्स डी टी में चला गया, तो क्या होगा 1/t² और 1/t² का इंटीग्रेशन -k/1/t, तो क्या आ गया वाई अपॉन एस क्यूब इक्वल टू 2 -k/1/t, और t का मीनिंग क्या था s प्लस सी आ गया। तो इससे अल्टीमेटली y इक्वल टू क्या आ गया c, c का मतलब कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना c1 लिख देते हैं समझाने के लिए, c1s³ - k2s² और अब देखो आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, y पाई बाई टू की वैल्यू 2 है, y पाई बाई टू की वैल्यू 2 मतलब x को पाई बाई टू लोगे तो y 2 है। तो देखो x को पाई बाई टू लो तो साइन पाई बाई टू 1, ये भी 1, तो कितना आ गया देखो c1 इक्वल टू इससे जाएगा बेटा 4। दोबारा सुनो, y तो 2 है और x पाई बाई टू है, तो साइन पाई बाई टू 1, साइन पाई बाई टू 1, सो c1 - 2 = 2, तो c1 = 4 आ गया। तो अल्टीमेटली आपका फंक्शन आ गया y इक्वल टू 4 sin³x - 2 sin²x। बस इस पे काम करेंगे अपन। तो देखो 1/1 ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया वाई पाई बाय 6, तो ये तो सिंपल, इसको देखो ऐसे लिख के देखो आप, इसमें से 2s² कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या आ गया 2s-1, तो इसको जीरो करने पे s इक्वल टू हाफ आ गया ना, तो x कितना आ गया पाई बाय 6 पे कितना आ गया 0, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है इसका। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है वाई एक्स इंक्रीजिंग चेक करना है, y′ π/3, तो इसका एक काम करो कर दो डिफरेंशिएशन, तो इसका DoIdS क्या होगा देखो 12 sin²x cos x - 4 sin x × cos x, तो क्या कॉमन आ गया देखो एक 4 कॉमन आ गया, एक साइन एक कॉस, तो बचा क्या sin-1। दोबारा सुनो 4 कॉमन, सॉरी 3 आ गया, 4 कॉमन साइन कॉस कॉमन, तो 4s-1। तो दिस इज, देखो जो इंटरवल गिवन उसकी बात करते हैं, तो एक तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है y′ π/3, तो x को पुट करो 60, x को जब आप 60 डिग्री पुट करोगे तो इसका y′ π/3 कितना जाएगा देखो 4 sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 1/2, अगेन 3√3/2 - k1, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया √3 √3 - k1, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, ये तो आ गया 9/2 - k√3, मतलब 9 - 2√3/2 लिख सकते हैं, 9 - 2√3/2, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। वाई एक्स इज द इंक्रीजिंग इन 60 से 30, सॉरी 30 से 60, तो देखो यहीं से समझो अपन को केवल इसी इंटरवल से मीनिंग है, ये पॉजिटिव 30 डिग्री से 60 डिग्री में साइन कॉस पॉजिटिव, और ध्यान दो जब एक्स आपका 30 डिग्री से क्या होगा बोलो 60 डिग्री, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी sin 30 1/2 से लेके √3/2, तो बेटा जब साइन एक्स 1/2 से ग्रेटर है तो ये तो कितना 1/3, तो एक्स की वैल्यू जब 1/2 लोगे तो ये पॉजिटिव, और उसके बाद तो ऑल्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मीनिंग 30 से 60 में वाई एक्स आपका कैसा फंक्शन होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि इसका DoIdx ऑलवेज कैसा बोलो पॉजिटिव, तो इसका थर्ड ऑप्शन भी बेटा करेक्ट होगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन वैल्यू ऑफ -π/2 से π/2 yx dx = -π, मतलब आपको -π/2 से π/2 में वाई एक्स की वैल्यू चेक करनी, तो चलो उसको करते हैं एक बार, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 दिस पार्ट। अब देखो साइन क्यूब तो और फंक्शन है तो ये तो जीरो बन जाएगा, तो केवल क्या जाएगा -π/2 से π/2 2s² तो क्या जाएगा इंटीग्रेशन -a से a, इवन फंक्शन है तो 2 आगे ला सकते, तो -4 हो गया, -4 0 से π/2 sin²x के इंटीग्रेशन के लिए क्या करो sin²x लिख सकते 1 - cos 2x/2, 2 से 2 चला गया तो क्या आ गया -k2 ब्रैकेट ऑफ इसका x हो गया
इसका क्या बन जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 जीरो से पाई बाई टू, जीरो पे तो दोनों जीरो, पाई बाई टू पे ये भी जीरो, तो ये पाई बाई टू, तो क्या गया माइनस के पाई, मतलब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में दिस वाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी बोलो माइनस पाई। तो इसके अकॉर्डिंग इसका फोर्थ ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा, तो ऑल फोर ऑप्शन आर करेक्ट। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर, देखो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या करना है अपन को, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या गिवन है कि लेट टी एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू टू एन से थ्री एन माइनस वन आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड एस एन इक्वल टू टू एन प्लस वन से थ्री एन फोर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कि टी एन और एस एन में से विच इज ग्रेटर और लेस, और टी एन प्लस एस एन का सम एल एन टू से ग्रेटर होगा या लेस, तो वो कैसे चेक करना है। ये देखो कि जो सीरीज गिवन है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसको, आप जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर इसमें अप्लाई कर देते बाई चांस, तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली आर अपॉन एन एन वन अपॉन एन में क्या करते हैं कन्वर्ट। तो देखो इसको लिख सकते हैं अपन, ये आ गया टी एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू टू एन से थ्री एन माइनस वन, इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लो तो आर वाई एन वन प्लस आर स्क्वायर वाई एन स्क्वायर और इनटू में आ गया वन वाई एन। तो लेट वही सेम प्रोसीजर, आप आर वाई एन को एक्सलेट करते हो और वन वाई एन को dx, तो क्या जाएगा ये फंक्शन बन गया आपका, ये जी इससे एक फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें आपको गिवन है कि सिग्मा आर इक्वल टू टू एन से थ्री एन माइनस वन, इसमें अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हो तो क्या होगा था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आपको टी एन बोला गया है बट एन नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन नॉट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया आपने टी इन्फिनिटी और एस इन्फिनिटी की वैल्यू को चेक करते हैं। तो इसमें जब इन्फिनिटी लिमिट की आप बात करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टू एन अपॉन एन इज टू और थ्री एन माइनस वन इज थ्री और एक क्या जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है जब एन ये होगा। तो इसके अकॉर्डिंग टी इनफाइनेट की वैल्यू क्या होगी, ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका इंटीग्रेशन है, वन बाई टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको टी मानोगे तो डी टी में चला गया, तो आ गया वन बाई टू ऑफ एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट ऑफ टू से थ्री। तो फाइनली आ गया वन बाई टू एल एन ऑफ थ्री का स्क्वायर नाइन, ये आ गया एल एन टेन माइनस एल एन फाइव, तो एल एन टू आ जाएगा, ठीक है मतलब फाइनली सोल्व करने पे आ गया वन बाई टू लॉग टू। ये कब होगा जब एन आपका टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो अब देखो इसको ज्योमेट्रिकली समझना कैसे, जो अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो देखो उसके लिए क्या करना है, अपन इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। तो ये तो क्या था, जब एन आपका क्या हो इन्फिनिटी की तरफ टेंड, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपन के पास फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझ सकते हो जैसे लेट आपने इसमें आर को टू एन लिया तो क्या बन गया क्वेश्चन, टू एन अपॉन आर एस आर स्क्वायर प्लस फोर एन स्क्वायर। तो इसमें भी अपन आर को टू एन पुट करने पे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको ऐसे समझो, इस फंक्शन के डायग्राम की बात करो तो क्या होगा, ये फंक्शन बनेगा आपका जीरो पे जीरो, इसको आप डिफ्रेंशिएट करना, ये फंक्शन आपका इस टाइप से बन जाएगा और ये एक्स इक्वल टू वन पे लोकल मैक्सिमा देगा। अब आप ध्यान दें एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, जैसे लेट एन को आपने वन ही लेट किया तो आर मिनिमम क्या होगा टू से लेके समथिंग, तो ये आपका क्या होगा टू एन, उसके बाद इधर क्या होगा टू एन प्लस वन, थोड़ा सा समझे इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर टू एन प्लस टू होगा ऐसे ही, इधर क्या होगा थ्री एन माइनस वन और लास्ट इज थ्री एन। अब देखो इसको समझने की ट्राई करें, जब आप x को 2n लोगे, आप समझे जब आपने r को 2n पुट किया तो क्या जाएगा क्वेश्चन 2n अपॉन r स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर, जैसे लेट n इसमें आपका 1 है
तो आर को जब आप टू एन लोगे, क्योंकि अपन ने इसको आर अपॉन एन को एक्सलेट करके काम किया है, तो आर को टू एन लोगे तो देखो इसमें से अपन एक काम कर सकते हैं, टू एन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? टू एन स्क्वायर को कॉमन। तो अल्टीमेटली आप ये समझे, जब आप सिग्मा को ओपन करोगे तो ये क्या है, स्टेप्स का समीशन है। क्या है? ईच स्टेप्स का समीशन। जैसे आपने आर को टू एन पुट किया तो क्या जाएगा, टू एन अपॉन आर स्क्वायर प्लस फोर एन स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है, देखो जब आप टू एन लोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको टू एन कॉमा समथिंग। ये एक रेक्टेंगल है, आर को एन को आप दोबारा समझो। हाँ पहले तो सुनो, ये ध्यान रखें कि जब एन आपका इन्फाइनिट की तरफ अप्रोच करेगा तो टी इन्फाइनिट की वैल्यू भी एल एन टू होगी वन बाई टू, और एस एन की वैल्यू भी क्या होगी, वन बाई टू एल एन टू। ठीक है, चलो अब आप इसको ये देखें, जैसे लेट आपने इसमें एन को वन पुट किया, एन को वन लेने पे क्या आ गया, टू से लेके टू, या फिर एन को अगर आप टू ले लेते हैं तो टू लेने पे क्या जाएगा, फोर से लेके फाइव तक। तो आर को टू, आर को फोर पुट करोगे और बाद में फाइव पुट करोगे, तो आर को अगर आपने टू पुट किया तो क्या आ गया, टू अपॉन टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो एज ए क्या है, एक स्टेप है ना। अल्टीमेटली जब आपने एन को टू एन पुट किया तो ये हाइट तो इसकी क्या होगी, दिस पार्ट, और विड्थ कितनी इसकी, वन, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो क्या है इसके वन। तो अल्टीमेटली अपने पास इस स्टेप का एरिया आ गया, कब, जब आपने आर को टू एन पुट किया, फिर आर टू एन के बाद क्या आएगा, टू एन प्लस वन, तो उसके अकॉर्डिंग ये इसकी हाइट है और विड्थ क्या, अगेन वन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया क्या होगा, दिस पार्ट। ये जो कंप्लीट डायग्राम है ये क्या है, ये एरिया वाई टी एन। सिमिलरली इधर इसके अकॉर्डिंग ये एरिया होगा और इसके अकॉर्डिंग आपका ये दिस एरिया, तो क्या होगा, टी एन। टी एन के बाद अगर अपन बात करते हैं एस एन की, तो देखो एस एन में क्या करना है, एस एन में स्टार्टिंग किससे, टू एन प्लस वन से। तो देखो इसमें रिवर्स चलें, जब टू एन प्लस वन लोगे तो ये तो लेट करो इसकी हाइट और वन है इसकी विड्थ, तो इसके अकॉर्डिंग एरिया दिस होगा। जब ये लोगे फिर टू एन प्लस टू लोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इसकी हाइट होगी टू एन प्लस वन और ये इसकी विड्थ वन, तो इसके अकॉर्डिंग एरिया दिस होगा। सिमिलरली जब एन को थ्री एन लोगे तो दिस इज हाइट और दिस इज विड्थ, तो ये नीचे वाला एरिया आ जाएगा, इसमें इसके अकॉर्डिंग नीचे वाला एरिया होगा। तो अल्टीमेटली होगा क्या, देखो टी एन का एरिया तो क्या है, दिस और दिस, तो टी एन का आप देखो जो आपका ब्लैक एरिया है ये आपके इस ब्लू एरिया से ग्रेटर है। इसका मीनिंग टी एन के ग्रेटर क्या होगा, एस एन। टी एन की वैल्यू तो एस एन से क्या होगी, ग्रेटर। बट इनके समीशन की बात करूँ तो देखो क्या होगा, अगर आप ग्रेटर लेस देन पे एक बार कोई ध्यान ना दो तो टी एन प्लस एस एन का सम क्या होगा, एल एन टू। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि टी एन प्लस एस एन का सम लॉग टू से ग्रेटर होगा कि लेस, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये, देखो टी एन में आपने क्या किया, दिस पार्ट को तो इंक्लूड किया है और एस एन में दिस पार्ट को एक्सक्लूड किया है। तो केयरफुली सुने, ये डायग्राम कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो दिस एरिया लेस है, दिस एरिया ग्रेटर है। अल्टीमेटली जब टी एन में आपने एस एन को क्या किया, एड किया बेटा, तो ये जो एड वाला एरिया ये लेस है और जो रिजेक्ट एरिया किया आपने एस एन में ये एरिया ज्यादा है। इसका मतलब अल्टीमेटली जब देखो ये डायग्राम जब कॉनकेव डाउनवर्ड है तो ऑलवेज ये एरिया आपका लेस है, ग्रेटर है, और ये एरिया आपका लेस है। तो एड करने पे क्या होगा, टी एन प्लस एस एन की वैल्यू लॉग टू से लेस होगी, तो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स वी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पार्ट सच दैट एफ ऑफ जीरो हाफ, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। तो वही सेम मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है कि ट्राई करो वाई डी वाई के साथ वाई की टर्म और डी एक्स के साथ एक्स की टर्म। तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आ गया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। उसके बाद ई की पावर माइनस को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर को इसके डिवाइड में ले आओ, तो ये आ गया डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के टू एक्स ई की पावर
एक्स स्क्वायर डी एक्स, बहुत सारी क्या लगा दो इंटीग्रेशन, तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के वन अपॉन वाई इक्वल टू, आफ्टर दैट क्या करोगे, ये माइनस तो बाहर, एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो टू एच डी डी टी में चला गया, मतलब अल्टीमेटली ये किसका इंटीग्रेशन है, ई की पावर एक्स स्क्वायर का, तो ये आ गया ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो एफ जीरो आपको हाफ गिवन है, तो एक्स को जीरो लोगे तो ये तो क्या आ गया माइनस के टू और ये आ गया माइनस के वन, तो सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस के वन। सोल्व करने पे क्या जाएगा, सी इक्वल टू, तो सी को माइनस वन पुट करने पे माइनस वन वाई वाई माइनस दिस माइनस वन, तो माइनस को रिमूव करोगे तो वन अपॉन वाई कितना आ गया, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन वी विल गेट वाई इक्वल टू वन अपॉन, ये लो ये अपना अल्टीमेटली क्या आ गया फंक्शन। अब इस फंक्शन पे अपन काम करते हैं, तो याद रखें इस फंक्शन को लिखते हैं अपन, क्या था वाई इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर। अब देखो उसको पहले डायग्राम बना के देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इसमें x को माइनस सिक्स रिप्लेस कर दो नो चेंज, तो इट इज ए इवन फंक्शन, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है इवन, तो इसका डायग्राम क्या होगा सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस। देखो तो जीरो पे वैल्यू क्या होगी, e की पावर जीरो वन बाई टू आ गया, जीरो पे आ गया जीरो कोमा हाफ, उसके बाद जब x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो वैल्यू उसकी क्या करेगी डिक्रीज, तो ये डायग्राम रफली यूं जाता है, और इन्फिटी पे वन अपॉन इन्फिटी जीरो, और इधर डायग्राम यूं जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है आपका। और थोड़ा आइडिया लो, जब इसका आप टू टाइम्स क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो बेटा इसकी इस पॉइंट पे कॉनकेविटी, पहले कॉनकेव डाउनवर्ड होगा बाद में कॉनकेव अपवर्ड, तो यहाँ पे इसका क्या होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसके टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, और ये एरिया क्या होगा बाउंडेड एरिया, क्योंकि ये ध्यान रखें किसी भी फंक्शन की रेंज अगर एक फाइनाइट इंटरवल है तो फंक्शन कैसा होता बाउंडेड, तो ये फंक्शन आपका बाउंडेड है, इसकी रेंज जीरो से हाफ होगी, जिसमें हाफ पे क्लोज ब्रैकेट लगाना जीरो पे ओपन, क्यों, क्योंकि सॉरी जीरो पे तो लगाना है क्लोज ब्रैकेट क्योंकि जीरो तो कब अचीव हुआ, हाँ जीरो पे तो लगाना ओपन ब्रैकेट क्योंकि जीरो कब अचीव होगा जब एक्स को इन्फिटी हो गया माइनस इन्फिटी, और वन बाई टू कब अचीव हुआ था बोलो जीरो पे, तो इसकी रेंज होगी ओपन ब्रैकेट जीरो से वन बाई टू क्लोज ब्रैकेट। आफ्टर दैट देखिए अगेन, उसके बाद इसने एक दो पार्टों में पूछा गया कि बताओ जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू का इंटरवल क्या हो सकता है, तो देखो उसको क्या करना है, ये लेट इधर कहीं वन होगा आपका कहीं भी ले लो नो प्रॉब्लम, तो जीरो से वन में ये जो एफ एक्स वाला पोर्शन है इसको कैसे किया गया, अगर आप इस लाइन को ऊपर बढ़ाते हो तो जीरो से वन में एफ एक्स डी एक्स का जो एरिया है वो इस स्क्वायर रेक्टेंगल के एरिया से क्या होगा लेस, तो दिस पार्ट इज लेस देन इज, ये वन है और ये क्या वन बाई टू, तो इसकी वैल्यू वन बाई टू से तो क्या होगी लेस, और अगर ये रेक्टेंगल हो गया आप इस रेक्टेंगल से ये एरिया क्या होगा आपका ग्रेटर, तो देन दिस पार्ट इज लेस देन ऑफ, लिख सकते हैं जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन, ये तो इससे क्या होगा ये एरिया इससे तो लेस होगा, तो ये आ गया आंसर, और जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू वो इस रेक्टेंगल से क्या होगी ग्रेटर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी विड्थ इसकी वन है और हाइट क्या होगी, जब एक्स को वन लोगे तो वाई क्या जाएगा वन अपॉन वन प्लस ई, तो इसकी हाइट पुट करोगे वन डॉट वन अपॉन वन प्लस ई, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके ऑल फोर ऑप्शंस आर करेक्ट, इसके ऑल फोर ऑप्शंस क्या होंगे आपके करेक्ट होंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, देखो एक करो वाई इक्वल टू एफ एक्स पासिंग थ्रू दी पॉइंट वन कॉमा वन बाय रूट ई सेटिस्फाई दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन गुड, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू दी ओरिजिन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन जीरो डिक्रीजिंग फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड हैज टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट, वन बाई वन अपन को ऑप्शन को चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, जो गिवन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी हेल्प से फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो वही सेम प्रोसीजर, इस क्वेश्चन में क्या करना है dy के साथ y की टर्म और dx के साथ x की टर्म, तो देखो क्या किया, ये आ गया dy dx इक्वल टू माइनस x e की पावर माइनस x स्क्वायर y 2, तो क्या करें dx से मल्टीप्लाई कर दे उधर, तो क्या आ गया इससे बोलो
dy इक्वल टू दिस पार्ट ऑफ dx, इसका बोथ साइड क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन, तो क्या होगा dy का इंटीग्रेशन y, और ये केयरफुली देखो e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन दिस ही होगा, क्यों करके देख लो डिफरेंशिएशन, e की पावर माइनस x स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन दिस पार्ट और माइनस x स्क्वायर बाय 2 का माइनस x, ठीक है, और प्लस क्या लगाओगे बोलो c, उसके बाद x को 1 लेने पे y आपको 1 बाय रूट गिवन है, तो y तो 1 अपॉन रूट और x को 1 लोगे तो ये भी क्या आ गया 1 बाय रूट, इसका मतलब c कितना आ गया 0, तो c को जब 0 पुट करोगे तो अल्टीमेटली फंक्शन आ गया e की पावर माइनस के x स्क्वायर बाय 2, तो देखो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, क्योंकि x को माइनस x से रिप्लेस करने पे नो चेंज, और एक इसके रफली अगर डायग्राम की बात करते हो आप तो देखो उसका डायग्राम कैसे रहा होगा, अपन विदाउट डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं डायग्राम, e की पावर 0 1, जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो e की पावर समथिंग की वैल्यू क्या करेगी डिक्रीज, और इन्फिनिटी लोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा 0, और ये फंक्शन इवन है तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा इधर, और इधर डायग्राम आपका इस टाइप से बनेगा, और अल्टीमेटली देखो ये डायग्राम कॉनकेव डाउनवर्ड से बाद में क्या होगा कॉनकेव अपवर्ड, एक बार जब इसका आप टू टाइम्स क्या करोगे डिफरेंशिएशन तो इसके टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो देखो अब एफ एक्स ये डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 0, यस सर ये 0 पे फंक्शन डिफरेंशियबल है, एफ एक्स सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन रॉन्ग, ये वाई एक्स का अबाउट क्या सिमेट्रिक है, एक्स जब नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और पॉजिटिव है तो डिक्रीजिंग, हाँ इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है बाद में फंक्शन डिक्रीजिंग, ये भी करेक्ट आंसर है, और एफ एक्स हैज टू इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तो ये भी करेक्ट है, का फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। अब अपन बात करते हैं सेक्शन डी, सेक्शन डी में टोटल 8 क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन में आपको इंटीजर टाइप से आंसर बोलने और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू को फिल करना है, तो देखो क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन a नॉट a1 a2 a3 a4 a5 आर कंसेक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल, इन सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, एक सर्किल के अंदर ही इंस्क्राइब्ड है, देन प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ a नॉट a1 a नॉट a2 a नॉट a4 इज इंस्क्राइब्ड इन सर्किल, एक सर्किल के अंदर इसको ड्रॉ करना है, तो देखो ऐसे समझो पहले अपन एक हेक्सागन लेट करते हैं, इसकी सर्किल की रेडियस क्या बन, और याद रखें अगर कोई भी रेगुलर हेक्सागन पेंटागन अप टू सोन किसी को भी सर्किल के अंदर क्या करते हैं स्क्रैब, तो उसका सेंटर और सर्किल का सेंटर क्या होगा सेम, तो इन सबका क्या सेंटर है, तो इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस होगी, ये सब कुछ इसकी रेडियस है, ये पॉइंट ए नोट बोला गया है, ए वन ए टू कहाँ तक जरूरत है अपन को, ए टू और ए फोर, ये ए थ्री होगा और इधर क्या होगा A4 और इधर क्या होगा A5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखें इसकी लेंथ इसकी इक्वल होगी क्योंकि सिमेट्री डायग्राम, इसकी लेंथ आपकी इससे इक्वल, तो देखो क्या करें ये टोटल एंगल 360, तो ये एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, ये वन है ये वन है, तो आप कोसाइन फॉर्मूले से A0 A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या लगाते हैं cos 60 का फॉर्मूला, तो क्या आ गया cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 माइनस ए नॉट ए वन का स्क्वायर अपॉन 2, cos 60 की वैल्यू हाफ, तो ये कितना आ गया 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस ए नॉट ए वन का स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे क्या जाएगा ए नॉट ए वन तो कितना आ गया बोलो, अब ए वन सॉरी ए नॉट ए टू की वैल्यू चाहिए, तो ये भी इसकी रेडियस है, तो ये भी 1 ये भी 1, इस बार एंगल क्या हो जाएगा 120, तो अगेन क्या लगाओगे cos 120, तो cos 120 का फॉर्मूला आ गया cos 120 इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस a नॉट a2 का स्क्वायर अपॉन दिस इज आल्सो 2, cos 120 इज माइनस हाफ, जैसे माइनस हाफ करोगे
तो इस बार क्या होगा, ये प्लस थ्री बन गया, तो ए नॉट ए टू की वैल्यू क्या होगी बोलो, रूट थ्री। और ये अपन को पता है इसकी लेंथ इसके इक्वल होगी, कर्स ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल और ये साइड इसके पैरेलल, तो ये रूट थ्री है तो ये भी लेंथ। और आप जैसे ही समझ सकते हो ए नॉट ए फोर चाहिए आपको, तो ये लेंथ अगेन कितना आ गया 120, तो ए नॉट ए फोर की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, रूट थ्री। तो रूट थ्री, रूट थ्री और वन, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा बोलो, थ्री आंसर आपको इसका फिल करना है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सपोज एफ एक्स इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो इज वन एंड एफ ऑफ माइनस माइनस फोर और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज रेशनल फंक्शन। मतलब इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है एक रेशनल फंक्शन है, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन आने वाला है वो कैसा फंक्शन है, एक रेशनल फंक्शन। देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टेन माइनस फाइव हंड्रेड इज, तो देखो इस इंटीग्रेशन को समझते हैं एक बार। ये इंटीग्रेशन गिवन है एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की ट्राई करें। ये अपन को पता है एफ एक्स क्वाड्रेटिक फंक्शन है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी डिग्री टू, इसकी डिग्री फोर है, तो अपन क्या यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। न्यूमेरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से लेस हो तो वी कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, ये एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखोगे इसको, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी क्या लिखना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे अपन, सॉरी वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्या जाएगा सी अपॉन वन प्लस एक्स प्लस डी अपॉन वन प्लस एक्स। अब आप थोड़ा समझे ए बी सी डी की चलो वैल्यू जो कुछ भी हो, जब आप इसका बोथ साइड क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो ए अपॉन एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स और इसका क्या होगा लॉग वन प्लस एक्स। बट जब फंक्शन आपका रेशनल है इसका मीनिंग उसमें लॉग एक्स तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज ए रेशनल फंक्शन, देन इट इज पॉसिबल वेन ए एंड सी जीरो, ए और सी का जीरो होना मस्ट है। उसके बाद वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होगा माइनस वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन वन प्लस एक्स के स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स। इसका मीनिंग ये होगा कि इसका आंसर रेशनल फंक्शन कब हो सकता है, जब ए और सी आपके जीरो होंगे, तो ये जीरो में चला गया और ये जीरो में, तो अल्टीमेटली आपका फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू क्या करोगे दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, तो उसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, बी तो मल्टीप्लाई हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स के स्क्वायर से प्लस डी ऑफ जीरो, ये आपका एफ एक्स फंक्शन है। और देखो एक कैसा फंक्शन है बोलो, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्या करें बी और डी की वैल्यू के लिए, एक तो आप एफ ऑफ जीरो को वन पुट कर दो, एफ ऑफ जीरो एक्स को जीरो लेने पे ये जीरो आ गया, तो बी आ गया बेटा इससे वन। उसके बाद x को एक बार लेना माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन आपको फोर गिवन है, तो x को माइनस वन लेने पे ये जीरो, तो d आ गया बेटा फोर। ये लो b और d की वैल्यू आने के बाद आपके पास एफ एक्स क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो देन वी विल गेट एफ एक्स इक्वल टू बी कितना वन, तो कितना आ गया ये आ गया फोर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। एफ ऑफ टेन की वैल्यू क्या होगी देखो, 10 का स्क्वायर 100, 500 प्लस 20, 521 और 521 में से 500 को माइनस करो तो क्या आंसर फिल करोगे इसका, 21 आंसर आपको फिल करना है। ठीक है, तो मेन थीम थी इस क्वेश्चन की कि रेशनल फंक्शन है तो आपको इसमें ए और सी को डी कंसिडर करना है, सॉरी ए और सी को डी जीरो लेट करना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बिटवीन द एक्सिस एंड एनी टेंजेंट टू दी कर्व एक्स की पावर ए वाई इक्वल टू लेमडा की पावर इज कॉन्स्टेंट। मतलब इस कर्व के एनी पॉइंट पे टेंजेंट और एक्सिस से बाउंडेड बाय जो एरिया वो क्या बोला गया है, कॉन्स्टेंट। तो बताओ ए की जो पॉसिबल वैल्यू है उनका सम क्या होगा, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, एक बार रफली डायग्राम देखो, ये कर्व चाहे कोई भी हो इससे वाई कितना आ गया, वाई इक्वल टू आ गया लेमडा की पावर है एक्स की पावर। तो अपन को पता है ए चाहे कुछ भी लो, ये एक नॉर्मल कर्व लेट करो आप, तो रफली ये लो ये कर्व आपने ड्रॉ किया, इस कर्व पर एक आर्बिट्री पॉइंट लेट किया पी एक्स वन कोमा वाई वन, इस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करोगे बोलो टेंजेंट्स। तो टेंजेंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये वाई और ये ओरिजिन, तो जो फिगर बनी वो क्या है एक ट्राइंगल का एरिया है
कुछ ट्राइंगल के एरिया को क्या करना है, कॉन्स्टेंट, तो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एरिया कब मिल सकता है, जब आप ओ या ओबी की लेंथ को फाइंड करो। ओ या ओबी की लेंथ कब फाइंड हो सकती है, जब आपको टेंजेंट की इक्वेशन पता हो, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन में जब एक्स को जीरो पुट करोगे तो पी पॉइंट मिल जाएगा और वाई को जीरो पुट करोगे तो पॉइंट ए फाइंड आउट हो जाएगा। तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट को लिखने के लिए क्या ऑप्शन है, पॉइंट तो है एक्स वन वाई वन, तो पहले इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो इसका क्या करते हैं डी ओ बाई डी एक्स। तो इसका डी ओ बाई डी एक्स क्या होगा, लैम्डा की पावर एक कॉन्स्टेंट है जीटी, एक्स की पावर माइनस ए का इंटीग्रेशन माइनस ए एक्स की पावर माइनस ए माइनस वन। आपको डी वाई डी किस पे चाहिए, पॉइंट पी पे, तो एक्स की क्या जाएगा एक्स वन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस ए लैम्डा की पावर है, ये आ गया एक्स वन की पावर माइनस ए अपॉन एक्स वन। अभी देखना इसका यूज क्या है, इंटू एक्स माइनस, अब ध्यान दो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, ये जो पार्ट है एक्स वन कॉमा वाई वन लाइज ऑन दी कर्व, तो बेटा इससे वाई वन की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की पावर है एक्स वन की पावर माइनस ए, तो ये तो बन गया बेटा वाई वन। तो क्या गया वाई माइनस वाई वन, एक काम करो एक्स वन से मल्टीप्लाई कर दो साथ की साथ, एक्स वन इधर क्या गया माइनस ए वाई वन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस ए वाई वन एक्स प्लस ए एक्स वन वाई वन, ये आपकी क्या टेंजेंट की इक्वेशन। पॉइंट ए और बी के लिए क्या करोगे, पॉइंट ए के लिए तो क्या करते हैं अपन इसमें वाई को जीरो, वाई को जीरो लोगे तो ये जीरो हो गया, सॉरी वाई को जीरो पे ये जीरो आ गया, तो अपन को एक्स की वैल्यू मिलेगी इससे। तो एक काम करो इसको लेफ्ट में ले आते हैं, इसको राइट में ले आते हैं, या चाहो तो एक काम करो इसको, चलो ठीक है, तो कितना आ गया इससे आ गया ए वाई वन एक्स इक्वल टू ए एक्स वन वाई वन प्लस एक्स वन वाई वन। तो अल्टीमेटली क्या जाएगा, वन प्लस ए एक्स वन कोमा जीरो, दोबारा समझ सकते हो, माइनस ए वाई वन एक्स वन को लेफ्ट में ट्रांसफर किया, तो ए वाई वन एक्स वन इक्वल टू दिस पार्ट प्लस एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन वाई वन जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ गया वन प्लस ए, वाई वन से वाई वन कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन प्लस ए एक्स वन अपॉन ए और लगा दो ये लोग। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए क्या करोगे, इस बार एक्स को जीरो पुट कर दो, एक्स को जीरो पे ये जीरो हो गया इस बार, तो इस बार क्या गया एक्स वन वाई इक्वल टू ए प्लस वन एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन कैंसिल करने पे क्या जाएगा, ये आ गया ए प्लस वन इंटू वाई वन, ये लो। तो ये ओवे की लेंथ है, ये ओबे की लेंथ, तो एरिया क्या होगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल के एरिया के डेल्टा हाफ इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या गया एक्स वन वाई वन एक्स वन वाई वन ए प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए। अब देखो इसका जो एरिया वो डिपेंड्स ऑन एक्स वन एंड वाई वन, बट आपको उसको क्या करना है इनडिपेंडेंट ऑफ एक्स वन वाई वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, इसमें आप वाई वन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, लैम्डा की पावर ए एक्स वन की पावर माइनस ए, तो आ गया डेल्टा इक्वल टू, एक वेरिएबल को अपन एलिमिनेट कर देते हैं, तो y1 की जगह जब आप पुट करोगे लैम्डा की पावर है x की पावर माइनस है, तो ये वैल्यू को पुट करने पे कितना जाएगा, लैम्डा की पावर है x1 की पावर माइनस है प्लस इंटू एक्स वन, तो क्या आ गया x1 की पावर 1 माइनस है इंटू 1 प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन a, जीरो हो नहीं सकता। अब देखो दिस एरिया इज बिकम कॉन्स्टेंट, तो देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, अभी इसका एरिया डिपेंड्स ऑन एक्स वन, लैम्डा और ये तो कॉन्स्टेंट है, अभी तो इसका एरिया किस पे डिपेंड है एक्स वन पे, बट आपको क्या चाहिए इनडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट पी, तो इसका मीनिंग दिस पार्ट इज बिकम जीरो। अगर वन माइनस ए को आपने जीरो लेट किया तो एक्स वन की पावर जीरो इज वन, तो एक तो आ गया ए इक्वल टू वन। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ए को माइनस वन भी तो ले सकते हो ना, क्योंकि ए अगर आपका क्या आ गया माइनस के वन, क्या आ गया इक्वल टू माइनस वन, तो डेल्टा क्या बन जाएगा जीरो, तो कॉन्स्टेंट, तो जीरो भी तो एक कॉन्स्टेंट है ना, ठीक है ना, तो मतलब इससे जो टेंजेंट है वो ड्रॉ होगी तो उससे एरिया ड्रॉ होगा नहीं आपका, मतलब ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो इसकी में ए की वैल्यू वन और माइनस वन ले सकते हैं, तो इसने पूछा सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए, तो इसका आंसर आपको जीरो फिल करना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर इज इन डेल्टा एबीसी इफ थ्री साइन ए प्लस फोर कॉस बी इक्वल टू सिक्स एंड 4 sin b plus 3 cos a equal to 1,
then number of positive values of angle A is, तो देखो इसको स्टेप को देखो ढंग से, आपको एंगल ए चाहिए, सॉरी एंगल सी, और एबीसी ट्राइंगल के एंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना होगा पाई। तो देखो क्या किया इस क्वेश्चन में, थ्री साइन ए थ्री कॉस ए और फोर कॉस बी थ्री साइन बी, तो क्या करो इन दोनों इक्वेशनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते। तो देखो नाइन साइन स्क्वायर ए नाइन कॉस स्क्वायर ए तो नाइन आ गया, प्लस सिक्सटीन कॉस स्क्वायर बी सिक्सटीन साइन स्क्वायर बी सिक्सटीन, प्लस टू ए बी पे क्या गया ट्वेल्व ट्वेंटी फोर कॉमन, क्योंकि इसमें भी क्या आएगा ट्वेंटी फोर, तो क्या गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, क्या गया साइन ऑफ इक्वल टू थर्टी सिक्स और वन थर्टी सेवन, थर्टी सेवन में से पच्चीस कम करो तो कितना आ गया ट्वेंटी, थर्टी सेवन में से ट्वेंटी फाइव कम किया तो क्या गया ट्वेल्व आ गया, तो क्या गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू ट्वेल्व बाई ट्वेंटी फोर वन बाई टू। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, साइन की वैल्यू हाफ का हो सकती है या तो सिक्सटी डिग्री पे या वन ट्वेंटी डिग्री पे। तब देखो अगर ए प्लस बी को सिक्सटी लोगे तो इसके अकॉर्डिंग तो सी किया जाएगा वन ट्वेंटी डिग्री, और अगर ये लोगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा सिक्सटी डिग्री। तो उसके मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं टू पॉसिबल आंसर फिल कर देते हैं, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है ध्यान को, इसमें टू आंसर्स मिले सी 120 डिग्री और सी 60 डिग्री। तो उसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, देखो सिंपल सा फंडा है कि आपने इसको स्क्वायरिंग करके ऐड किया, इसका मतलब हो सकता है कि आंसर इंक्रीज कर जाए इक्वेशन के। तो उसमें देखो अपन ये लेके देखते हैं कि अगर ए प्लस बी 60 होगा तो क्या ये बहुत इक्वेशन आर फीजिबल ना हो। तो देखो इफ ए प्लस बी आपका लेट 60 डिग्री है तो इसका मीनिंग क्या होगा, सॉरी ये 30 करना था, ये 30 हो सकता है या 150 डिग्री, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 बाई 2 का होती है 30 पे, तो 30 लोगे तो 150 आ गया और 150 लोगे तो अपने काम किया कि a प्लस बी को 30 लेट करते हैं। तो a प्लस बी को 30 लेने का मीनिंग क्या होगा, एंगल ए भी 30 से लेस होगा और एंगल बी भी क्या होगा 30 से लेस। अगर एंगल ए 30 से लेस है तो साइन की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 2 से लेस। तो देखो लिख सकते हैं साइन ए लेस देन हाफ, इसके आगे थ्री आ रहा है तो क्या आ गया थ्री साइन ए लेस देन थ्री बाई टू, थ्री साइन ए की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी थ्री बाई टू से लेस होगी। और सुनो एंगल बी चाहे थर्टी लो थर्टी से लेस लो, फोर कॉस बी की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी फोर से लेस ही होगी ना, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है तो वन तो ले नहीं सकते अपन, क्योंकि वन आने का वाला एंगल जीरो तो एंगल जीरो नहीं हो सकता। तो फोर कॉस बी की वैल्यू फोर से लेस और बीच में क्या रहा प्लस, तो इनका समझ आएगा चार और डेढ़ साढ़े पांच मतलब नाइन बाई टू आठ इलेवन बाई टू सॉरी फाइव पॉइंट फाइव और वट राइट पे कितना आ रहा सिक्स। तो ए प्लस बी का समय अगर थर्टी से लेस है तो बेटा थ्री साइन ए प्लस फोर कॉस बी की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी इलेवन बाई टू से लेस होगी, बट इसमें कितना है सिक्स, इसका मीनिंग ये केस पॉसिबल हो ही नहीं सकता और ये 100% ट्रू होगा। फिर एक केस तो ट्रू होगा, इसको भी आप ऐसे करके देखोगे तो ये वैल्यू फिर सिक्स से क्या हो सकती है ग्रेटर हो सकती है, ठीक है ना। तो देन इसका ओनली नंबर ऑफ पॉसिबल एंगल्स ऑफ एंगल सी, तो इसका वन आंसर आपको फिल करना है, ठीक है। चले अगले फोर क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, न्यूमेरिकल वैल्यू फिल करनी है। तो ऑप्शंस आपके क्या होंगे, डेसिमल में भी फिल करने पड़ सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई लेस देन ऑफ दिस पार्ट, इसका क्या बताना अपन को एरिया ऑफ है सॉरी। तो देखो क्या एरिया है, y लेस देन y ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ x प्लस थ्री, और ये है 5 लेस देन x प्लस नाइन इज लेस देन एज। तो चलो इन सब के एरिया को अपन डिनोट करते हैं, इसको देखो केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो y आपका पॉजिटिव होना मस्ट है, तो क्या जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं इसकी स्क्वायरिंग करते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया x प्लस थ्री का मोड, तो x अगर आपका 3 से ग्रेटर है तो प्लस के साथ ओपन होगा, फिर तो डायग्राम क्या बनेगा लेफ्ट और पैराबोला, और x की वैल्यू माइनस थ्री से लेस लोगे तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, तो ये बनेगा लेफ्ट और पैराबोला, उधर राइट वर्ड इधर लेफ्ट वर्ड। तो चलो पहले इसी को ड्रॉ करते हैं, तो
कि माइनस थ्री पे जीरो होगा, इधर तो बनेगा ऐसे डायग्राम और इधर बनेगा इस टाइप से डायग्राम, ठीक है। ये पॉइंट कितना है, एक्स को जिन पे वाई रूट थ्री आ गए। इतना करने के बाद वाई पॉजिटिव है तो इसको ओनली न्यूमिट एक्स से अप ड्रॉ करना डायग्राम। इस लाइन को देखते पहले, फाइव वाई लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस नाइन, तो एक्स को जीरो लोगे तो वाई क्या आएगा, नाइन वाई फाइव, नाइन वाई फाइव की वैल्यू क्या होगी, इससे ग्रेटर, तो ये लाइन ऊपर से जाएगी, ठीक है। और वाई को जीरो लोगे तो एक्स क्या आएगा, माइनस के नाइन, तो माइनस के नाइन कहीं इधर होगा आपका। अब मतलब रफली डायग्राम आपका ऐसे जाएगा, बट आपको ये देखना है कि डायग्राम इस ब्रांच को तो 100% क्या करेगा, इंटरसेक्ट, ये ब्रांच को कब इंटरसेक्ट करता है, तो ये ब्रांच कौन सी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो जब आप इसमें वाई की वैल्यू पुट करोगे कितनी, एक्स प्लस नाइन वाई फाइव का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो 25 इधर चला जाएगा। जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे बेटा, तो एक्स की वैल्यू अचीव होती है 106। वन लेने पे क्या गया है, टेन वाई फाइव टू स्क्वायर फोर इज फोर, ठीक है। और एक सिक्स तो इससे मिल जाएगा आपको, मतलब ये 106 से पास करना। तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम जो बनाना था, आप एक काम करना, ऐसे ड्रॉ करना, पहले लाइन को ड्रॉ कर देते। अब देखो इसका डायग्राम ऐसे जाएगा, यू यू कट करके, ये पॉइंट आपका 1 है और ये 6 है, और इधर से भी क्या है, एक्स लेस देन 6 का पोर्शन है, मतलब इस वाला एरिया हो गया। अब देखो पहले देखो लाइन का पोर्शन अप लो गया डाउन, तो 0 0 पुट करने पे क्या आएगा, 0 लेस देन 9 तो 2 आ गया। लाइन के तो नीचे वाला पोर्शन लेना अपन को, लाइन के तो नीचे वाला पोर्शन है, तो ऊपर की बात मत करो। और पैराबोला के अपवर्ड, क्योंकि इसको 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब पैराबोला के अप पोर्शन, तो पैराबोला के अप पोर्शन एक तो इधर वाला आ गया और एक ये आ गया, तो बताओ इन सबका कॉमन क्या आ गया, ओनली दिस पोर्शन आ गया, ये अपना कॉमन पार्ट है, ये एरिया अपन को क्या करना है, कैलकुलेट दिस एरिया। तो इस एरिया के लिए क्या करोगे, देखो ये पॉइंट आप फाइंड आउट करोगे, ये तो माइनस थ्री है, जब एक काम करना अगेन क्या करना, दिस इस बार इस ब्रांच में क्या होगा, माइनस एक्स प्लस थ्री, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री को इस लाइन के साथ जब अगेन सोल्व करोगे बेटा, तो ये पॉइंट आता माइनस के फोर। तो देखो क्या करना है, माइनस फोर से वन में पहले अपन इस लाइन से बाउंड वाई एरिया, तो ये तो क्या बना, ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। जब एक्स को माइनस फोर लोगे, एक्स को क्या लोगे, माइनस फोर, माइनस फोर और नाइन फाइव बाई फाइव वन, तो वाई वन आ गया, तो ये लेंथ क्या होगी, वन, और ये लेंथ भी क्या है, एक्स को वन लोगे आप तो ये टू आ जाएगा आपका, तो वन प्लस टू आ गया, हाफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस कितनी है, वन माइनस फोर का डिफरेंस फाइव, तो ये आ गया 15/2, ये आ गया ट्रेपीजियम का एरिया। और माइनस क्या करना है, देखो माइनस फोर से माइनस थ्री में तो दिस कर्व लोगे आप, तो माइनस फोर से माइनस थ्री ये कर्व कितना है, माइनस एक्स माइनस थ्री का रूट, रूट ऑफ माइनस एक्स माइनस थ्री, ये सेपरेट करना है। सिमिलरली अगला क्या करोगे, माइनस ऑफ माइनस थ्री सेवन दिस कर्व, माइनस थ्री सेवन अगेन मॉड रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री, ठीक है ना, माइनस एक्स माइनस थ्री की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, माइनस एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और माइनस एक्स का तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इधर माइनस ही रखना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू। जैसे ही आप इन लिमिट्स को पुट करोगे वैल्यू, तो अल्टीमेटली इसको सोल्व करने पर इसका आंसर आ जाता है बेटा थ्री बाई टू, क्या आंसर आएगा बोलो, थ्री बाई टू, तो इसका 1.50 आंसर आपको फिल करना है, क्या लिखोगे, 1.50। हाँ, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए 3.4, बी 0.0 एंड सी 3.0 आर वर्टेक्सेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, ऑफ पी इज ए पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल एबीसी सच दैट डी पी कॉमा बी सी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डी पी कॉमा ए बी कॉमा डी पी कॉमा ए सी, मतलब वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, और इसमें डी पी कॉमा बी सी का मीनिंग क्या है, पॉइंट पी की बी सी से डिस्टेंस, देन द एरिया ऑफ द रीजन
रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल पोजिशन ऑफ पी इज इक्वल टू, तो पॉइंट पी से जो भी रीजन आपका ड्रॉ होगा उससे बाउंडेड बाई एरिया बताना। तो देखो करते हैं इसको, तो पहले इन तीनों पॉइंट्स को अपन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। तो देखो इन तीनों पॉइंट्स को प्लेन पे ड्रॉ करने पे क्या जाएगा, पॉइंट बी तो 0 0 बोला गया है, पॉइंट सी कितना बोलो 3 0 और पॉइंट ए है 3 4, तो ये अपन का ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये साइड 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब देखो इसे बोला गया कि डीपी ए बी और डीपी ए सी में जो मिनिमम उसको ये लेट करना है, तो इसमें कैसे जराइज करते हैं, इसमें लिख दो कि लेट डी पी कोमा ए बी इज ग्रेटर देन डी पी कोमा ए सी। अगर आप ये लेट करते हो कि पी की ए बी से डिस्टेंस और पी की ए सी से डिस्टेंस लेस है, तो अपन को लेना कौन सा मिनिमम, तो इसका मिनिमम कौन हो गया ये पहला पार्ट, तो इसके अकॉर्डिंग फिर इनइक्विटी क्या बनेगी, डी पी कोमा बी सी इज लेस देन इक्वल टू डी पी कोमा, ये अपन को कंसिडर करना है इसके अकॉर्डिंग। और फिर सेकंड केस में रिवर्स कर देंगे, इसकी जगह ही लिख देना। अब पहले ये देखो एक पॉइंट की दो लाइन से डिस्टेंस इक्वल कब हो सकती है, फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन की बात करते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए एक पॉइंट की टू लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल है, इसका मतलब वो पॉइंट लाइज ऑन दी एंगल बाइसेक्टर, दो लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है उस पर अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसकी दोनों लाइन से डिस्टेंस क्या होती है सेम, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन पर यही पड़ी हुई है कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल, एक पॉइंट की दो लाइन से डिस्टेंस अगर इक्वल है तो उसका लोकस क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। तो देखो पी की ए बी से डिस्टेंस, ये ए बी है और ये ए सी है, तो इनकी डिस्टेंस इक्वल कब होगी, जब आप इसका क्या लोगे, ये एंगल बाइसेक्टर। आपको चाहिए क्या, पी की ए सी से डिस्टेंस ए बी से ज्यादा चाहिए, पॉइंट की ए सी से डिस्टेंस, ये ए सी से डिस्टेंस है ये ए बी से, पॉइंट पी इधर है तो आपकी क्या होगी डिस्टेंस इक्वल है, ए सी से डिस्टेंस ज्यादा कब हो सकती है, जब पॉइंट पी को आप इस वाले रीजन में लोगे, तो इसके अकॉर्डिंग तो पॉइंट पी का रीजन आ गया, ये थोड़ा समझे केयरफुली, ये पॉइंट पी से बाउंड बाय रीजन है। ये तो अपने इस केस फर्स्ट को ड्रॉ किया, अब इसके बाद इसकी इनइक्विटी को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट की बीसी से डिस्टेंस और पॉइंट की एबी से डिस्टेंस, देखो पॉइंट की एबी से डिस्टेंस मतलब ये लाइन लोगे और बीसी से, तो अगर आप इसका क्या लोगे, एंगल बाई सेक्टर, तो इक्वल होगी। बट चाहिए कि आपको पॉइंट की एबी से डिस्टेंस ग्रेटर कब होगी, जब पॉइंट पी नीचे वाले रीजन में होगा, तो इन दोनों का कॉमन कौन सा आ गया, ये वाला पोर्शन जहां पे ब्लैक और रेड लाइन दोनों मीट करती हैं, इसके अकॉर्डिंग तो पोर्शन आ गया ये। ये तो केस फर्स्ट हुआ। जब सेकंड केस की बात करोगे तो क्या करना है, अब इसी में समझ लो, सेकंड केस में आप रिवर्स करोगे, रिवर्स का मतलब इधर गर्दन लगाओगे तो फिर इधर ए बी की जगह कौन हो जाएगा, ए सी। तो देखो पॉइंट की ए बी से डिस्टेंस ए सी से क्या होगी, ग्रेटर, तो पॉइंट की ए बी से डिस्टेंस ए सी से ग्रेटर कब हो सकती है, जब आप इस पॉइंट को इस वाले रीजन में लेट करोगे, ये लो भाई रीजन बना दिया, उसके बाद पॉइंट की बी सी से डिस्टेंस और ए सी से डिस्टेंस इक्वल कहाँ होगी, यहाँ, और अपन को पता है इसका जब एंगल बाइसेक्टर होना होगा तो वो एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास होता है, ठीक है ना। तो देखो पॉइंट की बी सी से डिस्टेंस और ए सी से डिस्टेंस इक्वल कहाँ होगी, इस एंगल बाइसेक्टर पे, बट आपको चाहिए क्या, ए सी से डिस्टेंस ग्रेटर होनी चाहिए, तो पॉइंट की ए सी से डिस्टेंस ग्रेटर कब हो सकती है, जब पॉइंट पी को नीचे वाले रीजन में लोगे, तो इन दोनों कलर का कॉमन पार्ट आ गया नीचे वाला, इसका मीनिंग पॉइंट पी आपका दिस रीजन में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, तो इस ट्राइंगल का क्या बताना है, एरिया, और ये कौन होगा इसका इन सेंटर, तो ट्राइंगल की क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस तो कितना है 3, और हाइट क्या होगी, इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, तो सीधा देखो इन सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन सेंटर का फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस बी वी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमा समथिंग, तो सीधा वाई के लिए क्या करोगे, 0 4 0 0 5 0 एंड 3 4 12 अपॉन तीनों साइड का समेज 12, तो 1 आ गए, और ये लिख लेना सब इसका 2 कॉमा बना जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में क्या करोगे 0 4 0 और 3 5 15
और 9, 59, 24 by 12 is 2, तो इसका instant target 2, 1, तो इसकी height क्या होगी बोलो 1, तो base into height, तो half 3 into 1, तो इसका area क्या होगा 3y2, बहुत अच्छा question है और जितना मेरे को idea है ये question IIT JEE में आया question, बहुत old question है, ठीक है ना, तो इसका answer आपको 3y2 fill करना है, 3y2 का meaning 1.50, ठीक है चलें। उसके बाद देखो question number 7, let f x equal to 1 से x, t bracket में t square minus 3t plus 2 dt, x 1 से 4, then maximum value of f x is, 1 से 4 में इस function f x की maximum value क्या होगी, तो ध्यान रखें, जब भी आपको किसी function की क्या चाहिए maximum value, तो सबसे simple option क्या है, उसके extreme point पे value लिखो, और जहां f dash x आपका 0 हो, it is the collection of points where f dash x 0 and f of a and f of b, extreme points पे value check करो function की, और क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू चेक करो, उन सब में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी या ग्लोबल मैक्सिमा, और जो मिनिमम होगी वो क्या होगी ग्लोबल मिनिमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, इसका एफ डैश एक्स करते हैं अपन, तो इसका एफ डैश एक्स तो डायरेक्टली किससे कर सकते हो, न्यूटन्स लेवनीज फॉर्मूले से, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आ गया, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू अपर लिमिट पुट कर दो तो एक्स इंटू दिस पार्ट, तो क्या आ गया एक्स क्यू माइनस 3x² + 2x, हाँ वैसे x कॉमन ही रखो, क्या मतलब है x कॉमन लेने पे क्या होगा दिस पार्ट, और इसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस 1 एंड x माइनस 2, नंबर लाइन बनाओ 0 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस माइनस, 0 की तो बात ही मत करो ना, क्योंकि 1 से 4 में तो क्रिटिकल पॉइंट एक 1 आ गया एक 2 आ गया, 0 की बात मत करो, तो 1 पे 2 पे और 1 4 पे वैल्यू चेक करोगे, तो एक तो आपको f ऑफ 1 की वैल्यू चेक करनी है, एक f of 2 की वैल्यू चेक करोगे और एक f of 4 की वैल्यू, इन तीनों में जो ग्रेटर वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमा होगा, तो इसने पूछा है सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो देखो 1 पे तो वैल्यू क्या होगी 1 से 10 f of 10 आ गया, ये लो f of 2 f of 4 की वैल्यू के लिए बेटर ऑप्शन क्या है, इस फंक्शन का पहले क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा fx equal to t को अंदर लेके जाओ t cube का इंटीग्रेशन t 4 by 4 माइनस 3 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 प्लस 2t का 2t स्क्वायर बाय 2, ये लो और लिमिट क्या लगाओगे 1 से लेके x, तो अल्टीमेटली फंक्शन आ गया fx इक्वल टू x 4 by 4 माइनस के एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर, और एक बार पुट कर दो 1, तो 1 पे देखो क्या होगा ये 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो ओनली आ गया 1/4। अब क्या करना है, एक बार f ऑफ 2 की वैल्यू चेक करोगे तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी देख लो, f ऑफ 2 की वैल्यू चेक करना और f ऑफ 4, इन तीनों में जो ग्रेटर वैल्यू होगी क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, तो इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखें, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इन डेल्टा एबीसी इफ सर्कम रेडियस इज कैपिटल आर एंड इन रेडियस इज स्मॉल आर, एक ट्राइंगल ए बी सी में जो उसकी सर्कम रेडियस है वो कैपिटल आर गिवन है और इन रेडियस आपकी स्मॉल आर गिवन है, ठीक है, इज कनेक्टेड बाय द रिलेशन ऑफ दिस पार्ट, कैपिटल आर और स्मॉल आर में आपको रिलेशन गिवन है, देन रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स पैरामीटर, तो आपको ट्राइंगल का एरिया और उसके पैरामीटर में पैरामीटर का क्या बताना है बोलो रेशियो, तो देखो उसको केयरफुली देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस रिलेशन को देखो थोड़ा आप, इस रिलेशन को जब आप जस्टिफाई करोगे तो देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ आर एंड स्मॉल आर, तो देखो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस 4r², इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस 4r स्मॉल आर, तो इसमें से काम करो 8r² में से 4r² को इधर में सेपरेट कर दो और रिमेनिंग 4r² को क्या कर दो सेपरेट, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया कि r माइनस 2r का होल स्क्वायर बन गया, ये क्या गया कैपिटल r माइनस 2r का होल स्क्वायर प्लस 2r माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2 होल स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी जब बोथ आर 0, तो इसको 0 करने पे तो आ गया r इक्वल टू 2r एंड इससे जाएगा 2r इक्वल टू 3, तो r तो कितना आ गया 3/2। हमसे पूछा क्या है डेल्टा अपॉन एस, और अपन ने एक चीज पढ़ी हुई है
आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है आर, बस यही कंसेप्ट था इसका मैम, आर इक्वल टू क्या होगा डेल्टा अपॉन एस, तो आर की वैल्यू कितनी है 3/2 इक्वल टू क्या गया डेल्टा अपॉन एस, क्या गया 3/2 इक्वल डेल्टा अपॉन एस, सॉरी अपन को किस वजह इट्स पैरामीटर, पैरामीटर कितना होता है 2s, तो कितना जाएगा डेल्टा अपॉन, बच्चे फटाफट से आंसर 1.5 भर देते हैं, तो 3/4 का मीनिंग 0.75 आपको आंसर इसका फिल करना, ठीक है चलो, ठीक है थैंक यू बेटा।